गाइस स्वागत है आपका टेक विद क्रिश की एक और नई वीडियो में। तो गाइस मोटो G34 फोन मैंने कुछ टाइम पहले परचेज किया था और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के भी अपने चैनल पे अपलोड की थी कि फोन कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों जब से मैंने ये फोन लिया है काफी लोगों की क्वेरीज थी कि भाई हम मोटो G34 में ऐप लॉक कैसे करें, हम गैलरी कैसे ढूंढे कहाँ पे है, 5G कैसे यूज करें। तो इन सभी के ऊपर भी मैंने वीडियोज बना के अपने चैनल पे डाल दिए हैं, आप मेरी मोटो की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों काफी लोग मुझे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मोटो G34 में हम स्क्रीनशॉट कैसे लें, एक बार इस पे वीडियो बनाओ। तो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने मोटो G34 में आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बट गाइज उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है मोटो का G34 फोन। अब दोस्तों पहली ट्रिक जिससे आप अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन बटन है और यहाँ पे नीचे पावर बटन है। तो ये दोनों को जब आप साथ में प्रेस करेंगे, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन, तो स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने साथ में प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट को डिलीट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक जो आपको मोटो G34 या मोटरोला के फोन्स में देखने को मिलती है वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन के ऊपर आपको 3 फिंगर्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने प्लेस किया स्क्रीनशॉट आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई वॉल्यूम डाउन और पावर बटन नहीं दबाया। तो ये 2 ट्रिक है, आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके इस फीचर को इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। आपको बस 3 फिंगर्स को स्क्रीन पे लगाना है कुछ इस तरीके से, और ऐसे आप मोटो G34 में 2 तरीकों से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।